नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे दुनिया के एक ऐसे हिस्से की कहानी जिसके माथे कोरोना के साथ साथ एक और बड़ी विपत्ति लद गई है। एक आपदा जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से बादलों की तरह उड़ती आई और सैकड़ों किलोमीटर के हिस्से में फैल गई। द मम्मी फिल्म के कीड़ों की तरह इस आपदा ने रास्ते में आने वाली तमाम हरियाली, सारी फसलों को तबाह कर दिया और इसके कारण पहले से ही खाने को मोहताज लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। लेकिन इस देश की खबर जानने से पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी ब्राजील से है। वहां के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो अलग ही लेवल पर पहुंच गए हैं। उनकी सरकार कोरोना पर गंभीर नहीं थी, ऐसे में कई प्रांतों के गवर्नरों ने लॉकडाउन लगाया। बोल्सोनारो और उनके समर्थक इसका विरोध करते आए। 19 अप्रैल को ऐसे ही कई लोग सड़क पर उतर गए। एक भीड़ सेना मुख्यालय के आगे भी पहुंची। उनकी मांग थी कि राष्ट्रपति के साथ मिलकर सेना बीच में कूदे और लॉकडाउन खत्म करवाए। ये भीड़ सुप्रीम कोर्ट और संसद बंद करने की मांग कर रही थी, सैन्य तानाशाही लाने की मांग कर रही थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि खुद बोल्सोनारो इनका साथ देने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अब बातचीत से कुछ हल नहीं निकलेगा, अब तो बस एक्शन का टाइम है। राष्ट्रपति ने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि उन्हें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। इससे एक तरफ जहाँ कई लोग बोल्सोनारो का समर्थन में आ गए, वहीं एक बड़ा हिस्सा उन पर भड़क भी गया। इस धड़े का कहना है कि राष्ट्रपति ने अपनी मर्यादा लांघ दी है। कोरोना को लेकर वहां पहले से ही दो फाड़े आबादी में, अब ये संकट और बढ़ता दिख रहा है। दूसरी सुर्खी कनाडा से है। वहां नोवा स्कोटिया नाम का एक छोटा सा शहर है। यहां गैब्रियल वॉटमैन नाम के एक हमलावर ने 16 लोगों को मार दिया। 18 अप्रैल की रात से 19 अप्रैल की दोपहर के बीच करीब 12 घंटों तक वो अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को मारता रहा। काफ़ी देर तक पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार वो मारा गया। खबर है कि हमलावर ने शायद पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। उसकी गाड़ी भी देखने में पुलिस कार जैसी थी, लेकिन वो पुलिस की नौकरी में नहीं था। इन हत्याओं के पीछे गैब्रियल की मंशा क्या थी, ये अभी मालूम नहीं चल पाया है। तीसरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। यहाँ की विदेश मंत्री हैं मराइसा पेन। 19 अप्रैल को उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कैसे शुरू हुआ, इसकी जाँच होनी चाहिए। ये भी कहा कि चीन ने इस बीमारी से जुड़ी जानकारियां जिस तरह साझा की, उसकी पारदर्शिता पर भी जांच होनी चाहिए। 20 अप्रैल को इस बात पर जवाब देते हुए चीन ने मराइस के इस बयान को तथ्यहीन बताया। चीन का कहना है कि मराइस का बयान बताता है कि वो चीन में लोगों द्वारा दिए गए बलिदान का सम्मान नहीं करती है। और हमारा ये मानना है टीम दुनियादारी का कि चीन अपने लोगों के बलिदान के आड़ में अपने झूठ को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। प्रेमचंद का एक उपन्यास है गबन। इसके मुख्य किरदार हैं रमानाथ और जालपा। रमानाथ मामूली नौकरी करता है, अपनी आर्थिक स्थिति पत्नी से छिपाता है। जालपा की ख्वाहिशें हैं और इसमें सबसे बढ़कर ख्वाहिश क्या है, एक चंद्रहार। जालपा की इच्छाएं पूरी करके उसकी नज़रों में नायक बनने की तमन्ना रमानाथ को मुसीबतों के चक्रव्यूह में फंसा देती है। यहाँ हर अगली मुसीबत पिछली मुसीबत से बड़ी है। ये स्थिति ऐसी है कि कोई माइग्रेन से तड़प रहा इंसान अपना पांव तोड़वा ले, उसे समझ ना आए कि कौन सी तकलीफ ज़्यादा रुला रही है। यही हाल अभी पूर्वी अफ्रीका का है। दुनिया के इस हिस्से में कुछ सबसे गरीब देशों की बसाहट है जो पिछले कई सालों से मौसम की मार झेल रहे हैं। ऊपर से इन्हें भी कोरोना से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी मुसीबत ये सब नहीं है, इनकी सबसे बड़ी मुसीबत है टिड्डी दल का हमला और इसके चलते पहले से फैली भुखमरी और बुरी हो गई है। ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताते हैं आपको। मई 2018 में एक चक्रवाती तूफान आया था, मेकुनु। मुख्य तौर पर 3 देश इससे प्रभावित हुए थे, ओमान, सऊदी अरब और यमन। चक्रवात के कारण हुई जानमाल की तबाही के अलावा एक और बड़ी चीज़ हुई। यहाँ रेगिस्तान में शांत पड़े खास तरह के कीड़ों को पनपने के लिए नम रेत मिल गई। पानी मिला तो हरियाली भी आई, वो इन कीड़ों का भोजन बनी। देखते ही देखते इन कीड़ों ने विशाल झुंड बना लिया। मगर ये भी उतनी बड़ी चिंता नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर एक चक्रवात करीब 6 महीने तक मनमाफिक स्थितियां देता है इन कीड़ों को। उसके बाद जगह सूख जाती है, इससे प्रजनन नहीं हो पाता, पुराने कीड़ों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भी मर जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये हो पाता, अक्टूबर 2018 में एक और चक्रवात आ गया। इसने कीड़ों को नया जीवन दिया। UN के मुताबिक मुफीद वातावरण पाकर इन कीड़ों की आबादी करीब 8000 गुना बढ़ गई। और ये कीड़े कौन से थे, डेजर्ट लोकस्ट यानी रेगिस्तानी टिड्डे।
ये टिड्डों की सबसे विनाशक प्रजाति है। पेपर क्लिप के साइज वाले ये टिड्डे पश्चिमी अफ्रीका से भारत के बीच के हिस्से में पाए जाते हैं। इनके जीवन में दो तरह का समय आता है, एक सॉलिटरी यानी जब ये अकेले होते हैं, इनका दूसरा दौर कहलाता है ग्रेगेरियस फेज यानी जब ये झुंड में तब्दील हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब इन्हें बारिश नमी वाला मौसम मिले, खाने को ज़्यादा हरे पौधे मिले, और ऐसा होने पर ये बहुत तेज़ी से प्रजनन करते हैं। और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है इनका स्वभाव भी बदलता जाता है, ये झुंड बनाने लगते हैं, इनका रंग बदलने लगता है। अकेली अवस्था में जहाँ ये भूरे रंग के होते हैं वहीं झुंड वाली स्टेज में आकर इनका रंग पीला हो जाता है। इन टिड्डों में एक खासियत और होती है, मुफीद वातावरण और खाने की खोज में ये विशालकाय झुंड बनाकर दूर दूर तक की यात्राओं पर निकल जाते हैं। कितना बड़ा होता है इनके झुंड का साइज, कुछ वर्ग किलोमीटर से लेकर सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक बड़ा झुंड होता है। एक वर्ग किलोमीटर मतलब एक किलोमीटर लंबा गुणा एक किलोमीटर चौड़ा। अब सोचिए एक वर्ग किलोमीटर का एक टिड्डी दल है तो इसके अंदर 4 करोड़ से 8 करोड़ तक टिड्डी हो सकते हैं। ये टिड्डी दल कितनी तेज़ी से उड़ेंगे ये हवा की रफ्तार पर भी तय करता है। आमतौर पर एक दिन में ये 130 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकते हैं, कभी कभी इससे भी ज़्यादा। मसलन साल 1988 में ऐसे ही टिड्डी दल ने पश्चिमी अफ्रीका से कैरेबियन के बीच 5000 किलोमीटर का सफ़र 10 दिन में पूरा कर लिया था, यानी प्रतिदिन 500 किलोमीटर। 2018 की बात करें तो अरब की खाड़ी से हज़ारों गुना जनसंख्या बढ़ाकर टिड्डियों का दल खाने की तलाश में आगे बढ़ता रहा। 2019 खत्म होते होते ये पूर्वी अफ्रीका पहुंच चुका था, पूर्वी अफ्रीका जहां पर कीन्या, तंजानिया, युगांडा, इथोपिया और सोमालिया जैसे देश बसे हैं। ऐसा संयोग हुआ कि दिसंबर 2019 में सोमालिया में भी एक चक्रवात आया, फिर मार्च में यहां कुछ हिस्सों में बेमौसम बरसात हो गई। टिड्डी दल को आबादी बढ़ाने की मुफीद स्थितियाँ मिलती ही चली गई। हम बार बार टिड्डी दल के हमलों की, उनके खाने की बात कर रहे हैं, अब आप ये भी जान लीजिए कि ये कितना खाते हैं। एक वयस्क टिड्डे का वज़न करीब 2 ग्राम होता है। एक दिन में ये अपने वज़न जितना खाना चट कर सकता है। ये झुंड के झुंड पेड़ों से चिपक जाते हैं, देखने में लगता है जैसे किसी ने चादर लपेट दी हो। ये अपने रास्ते में आने वाली हर फसल चट कर जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। यूएन का कहना है कि पूर्वी अफ्रीका के प्रभावित इलाकों में मॉस्को और न्यूयॉर्क शहर जितने विशाल टिड्डी दल भी हैं। अब सोचिए एक वर्ग किलोमीटर जितना बड़ा टिड्डी दल मिलकर रोज़ाना 30,000 से 35,000 लोगों का खाना खा सकता है, तो फिर इतने ज़्यादा टिड्डी कितनी फसल खराब करेंगे। और उस पर दिक्कत ये कि ये इलाका पहले से ही अभावग्रस्त है। पिछले कुछ समय से यहाँ कभी सूखा पड़ता रहा तो कभी बाढ़ आती रही। आमतौर पर अप्रैल से जून के बीच बारिश होती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के असर की वजह से कभी बेमौसम खूब बरसात होती है तो कभी बारिश के मौसम में औसत पानी भी नहीं बरसता। पिछले कई सालों से यहाँ सूखे की स्थिति है। 2019 का साल करीब 3 दशकों का सबसे सूखा साल था। पिछले लंबे समय से यहाँ फसलें बर्बाद हो रही हैं, बड़ी संख्या में लोगों के मवेशी मर गए, उनकी रोजी रोटी का साधन छिन गया। 2011 से ही यहाँ कमोबेश खाद्य संकट की स्थिति बनी हुई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हैं इथोपिया, सोमालिया, केन्या, सूडान, जिबूती, युगांडा और तंजानिया। पहले से ही भीषण खाद्य संकट में लोग टिड्डियों से होने वाले नुकसान को कैसे झेलेंगे, और ऊपर से एक बड़ी चिंता ये कि आने वाले महीनों में बारिश होगी और इसकी वजह से टिड्डों की तादाद कई गुना और बढ़ जाएगी, तब ये और भी ज़्यादा इलाके में फैल सकते हैं। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। लंबे समय तक कोई संकट रहे तो इंसान उसके सामने कोई राह खोज लेता है, शायद इसीलिए पूर्वी अफ्रीका के कई इलाकों में टिड्डियों को खाने का भी रिवाज है। इन टिड्डियों में काफ़ी प्रोटीन होता है जो कुपोषित आबादी को पोषण देने के काम आता है। ये शायद सदियों से चले आ रहे टिड्डी आतंक के बीच पेट भरने की एक युक्ति है। यूएन की एक संस्था है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वेबसाइट पर हमें टिड्डियों से बनाए जाने वाले कई स्थानीय व्यंजनों के नाम मिले। मसलन तिंजिया, इसमें टिड्डे का पंख हटाकर पहले उसे उबालते हैं फिर उसे तेल में भूनकर खा लेते हैं। ऐसे बोलते हुए भी घिन आ रही है, मगर दिक्कत यह है कि इंसानों के खाने के बाद भी अरबों अरब टिड्डे बचे रह जाते हैं, उन्हें बिना मदद के खत्म नहीं किया जा सकता, और ये मदद जितनी देर से पहुँचेगी नुकसान उतना ही बढ़ता जाएगा। दुनियादारी के इस एपिसोड के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको ललन टॉप की ये नई पहल दुनियादारी पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।